ज्यादा मार्क्स आते हैं वो सिफारिश से आते हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करते हैं, उसके बिहाफ पे परफॉर्मेंस के नंबर भी मिल सकते हैं। प्रैक्टिकल में कोई बंदा फेल नहीं होता, ये याद रखें। अगर किसी बंदे की सिफारिश नहीं है भाई, वाइवा कहां से पूछा जाता है। अस्सलामुअलैकुम, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स के हवाले से। अगर आप 20 में से 20 यानी कि फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर आपका 2 क्रेडिट आवर का पेपर है प्रैक्टिकल्स का या फिर 1 क्रेडिट आवर का पेपर है प्रैक्टिकल्स का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, फोर्थ हो, सिक्स हो, एट्थ हो, तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी अगर ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो। हेलो दोस्तों, माय नेम इज ईशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज आए डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वो आप तक मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई जो आपका प्रैक्टिकल्स का पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले आपके पास आता है जी रिटन पार्ट, सेकेंड आपके पास आता है परफॉर्मेंस, और थर्ड हमारे पास आता है VNP, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो आपका एक सवाल है कि भैया जो गलत है कि वो ये है कि भाई अक्सर जो ज्यादा मार्क्स आते हैं वो सिफारिश से आते हैं। भाई ये बात आपकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है। अगर किसी बंदे की सिफारिश भी है, फर्ज में ये भी हो सकता है अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है तो उसकी सिफारिश हो, लेकिन उसे भाई एग्जामिनर वो ये जरूर कहता है कि भैया आपने ये चीजें लिखनी है, ठीक है। अगर किसी बंदे की सिफारिश है तो उसने वो चीजें लिखी हैं तो उसको मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी बंदे की सिफारिश नहीं है लेकिन उस बंदे ने उसी तरह उस पैटर्न से चीजें लिख दी हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, उम्मीद ही 100% है कि आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह लिखनी है, उसके उस पर बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास आता है जी रिटन पार्ट। रिटन पार्ट में बेसिकली आपके पास प्रैक्टिकल्स होते हैं रिटन फॉर्म में, ठीक है। वो आपका किसी भी बुक का हो, जैसे कंप्यूटर का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का, या किसी भी और डिपार्टमेंट में किसी और बुक का प्रैक्टिकल है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एक पेपर मिलता है या एग्जामिनर आपको जुबानी कह देता है। मतलब गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस में तो इसी तरह होता है कि वो कहता है कि ये प्रैक्टिकल्स आपने लिखने हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में आपका एक स्पेशल पेपर बनता है, ठीक है। उसमें आपको जो क्वेश्चंस पेपर्स दिए जाते हैं उसमें वो कहते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल्स आपने लिखने हैं। अगर आप उन प्रैक्टिकल्स को अच्छे से लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने, बेशक आपकी 100% भी सिफारिश है तो, ठीक है। अब लिखने में आपको कुछ चीजों को स्टेप जो है वो आपने गौर करनी होती है चीजों लिखते वक्त। वो सबसे पहले जी हर चीज जो प्रैक्टिकल है, हर बुक का एक डिफरेंट पैटर्न है। हम बात करते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स, आमतौर पर भाई इनमें जो है वो आपने अपरेटस लिखना है, ठीक है। अपरेटस जो होता है उसके मार्क्स होते हैं, अगर आप अपरेटस नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे, यानी कि रिटन पार्ट जो है उसके आगे सब डिविजन्स हैं। अगर आप उसके उन डिविजन्स को जो है वो लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, सही है। उसमें आपके पास जो आमतौर पर जो चीजें लिखनी होती हैं वो मैंने कहा जी आपने अपरेटस लिखना है, मटेरियल्स वगैरह ये जो चीजें, ठीक है। उसके बाद अगर किसी की केमिकल्स की है तो वो लाजमी लिखनी है। नेक्स्ट जी प्रोसीजर, उसके बाद जी आपके पास ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स, एंड पॉइंट्स, यानी ये जो चीजें होती हैं ये आपने अच्छे से कवर करनी होती है, लिखनी होती है। अगर इनमें से आप एक भी चीज स्किप करते हो, अगर उसमें है तो फिर आप स्किप कर जाओगे, ठीक है। जैसे आमतौर पर फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो तो वो ग्राफ लाजमी होता है, अगर आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब अगर आप वो ग्राफ नहीं बनाएंगे तो उसके मार्क्स निकल जाएंगे, तो आपके फुल मार्क्स नहीं आने। रिटन पार्ट में आपने चीजों को लिखना है और उसके डिविजन्स के हिसाब से लिखना है। अगर वो चीजें आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, उनमें से कोई भी चीज स्किप होती है तो फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलने, सही हो गया जी। अब दूसरा पार्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के। अच्छा, परफॉर्मेंस में जो है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपसे वो परफॉर्म करवाता है या फिर नहीं करवाता, ठीक है। अगर वो परफॉर्म करवाए तो फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे ना परफॉर्म करवाए तो वो आमतौर पर देख लेता है रिटन पेपर से कि भाई इस बंदे ने अच्छा लिखा है तो इसको कुछ चीजें पता है। अगर आपने अच्छा रिटन नहीं लिखा तो फिर आपके मार्क्स उसके परफॉर्मेंस से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर्स पर। सेकंड चीज जो थर्ड चीज आती है वो मैंने कहा था जी VNB। वी का मतलब है जी वाइवा, यानी वाइवा वॉइस। अगर आपने जो है वो अच्छा वाइवा क्लियर किया है तो आपको उसके उसके बिहाफ पे परफॉर्मेंस के नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। वाइवा आमतौर पर 3 नंबर का लिया जाता है। 3 नंबर में आपके पास 3 ही सवाल होते हैं। अगर किसी बंदे के 3 वाइवा के क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो फिर जो है वो उसको परफॉर्मेंस के नंबर फुल दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये आमतौर पर रूल होता है।
तो अगर आपके वाइवा के मार्क्स अच्छे हैं तो फिर आपको परफॉर्मेंस के नंबर भी पूरे दे दिए जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद ही आपके अगर दो सवाल गलत हैं एक सही है तो फिर उसी हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस की मार्क्स भी डिक्रीज हो जाते हैं और उस पर बैड इंपैक्ट आता है, सही है। उसके बाद ये एक चीज होती है आपके पास नोटबुक, नोटबुक होता है प्रैक्टिकल बुक। ये आमतौर पर अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसे ले लेते हैं बनी बनाई, ठीक है, कि ये पहले लिखी हुई है बस सही है, प्रिंट फॉर्म ले जाते हैं। भाई इससे काफी बैड इंपैक्ट पड़ता है, आपको जो है वो बेसिकली अपनी हाथ से जो है वो प्रैक्टिकल्स की कॉपी बनानी चाहिए, ठीक है। कम अज कम आप 5 लिख लें 6 लिख लें, लेकिन अपने हाथ से लिखे होनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि भाई इस स्टूडेंट ने या इस बच्चे ने जो है वो अच्छे प्रैक्टिकल्स लिखे हैं, इसलिए परफॉर्म भी लाजमन किए होंगे, सही है। तो ये कुछ चीजें होती है, ये टिप्स को आपने फॉलो लाजमी करना है। प्रैक्टिकल कॉपी आपने लाजमन खुद बनानी है, ठीक है। अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको चीजों समझ भी आएंगी और जब प्रैक्टिकल जाएगा तो आपको हर चीज क्लियर होगी कि ये चीजें मैंने वहां पे बनाई थी, ठीक है। उसके बाद ही आपने कुछ ना कुछ याद लाजमी करना है, प्रैक्टिकल में कोई भी चीज आपने स्किप नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं से आपको, यार प्रैक्टिकल में कोई बंदा फेल नहीं होता, ये याद रखें। अगर कोई बंदा प्रेजेंट है तो वो फेल कभी नहीं होगा, बशर्त ये कि वो पेपर खाली छोड़ दे, ठीक है। कि भाई अगर आप पेपर ही खाली छोड़ देंगे फिर आप फेल हो सकते हैं, अदरवाइज जो है एक बंदा जो है वो प्रैक्टिकल में जाता है उसे एग्जामिनर्स उसके लैब अटेंडेंट कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं जिससे क्या है कि स्टूडेंट कम से कम पास लाजमी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाइवा आपने अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करना है। और एक सवाल होगा कि भाई वाइवा कहाँ से पूछा जाता है, वाइवा जो है वो बेसिकली जो प्रैक्टिकल्स आपको अलाट किए जाते हैं उन्हीं के रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है। तो कोशिश करें जो आपको प्रैक्टिकल्स दिए जाए रिटर्न फॉर्म में उन्हीं को अच्छे से उसके रिलेटेड जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो अच्छे से याद कर लें, दोबारा रिमाइंड कर लें अपने जहन में, जिससे आपके वाइवा के मार्क्स फुल लग सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।